गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टुडेज टॉपिक इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक विद्युत परिपथ इन एक्टिविटी टू यू कन कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रो वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब एक्टिविटी टू में हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या देखा था कि हम दोनों टर्मिनल को अलग अलग वायर से क्या करते हैं बल्ब के अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और साथ ही हम उसे इलेक्ट्रिक सेल के भी दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं नोट दैट इन द अरेजमेंट सोन इन फिगर ट पॉइंट ए फाइव ए एंड एफ द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वेयर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब हमने दोनों डायग्राम में देखा कि जो दोनों टर्मिनल हैं वो इलेक्ट्रिक सेल के कनेक्टेड हैं बल्ब के दोनों वाले टर्मिनल्स हैं सच एंड अरेंजमेंट इज इन एग्ज़ाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट तो ये किस एक इस चीज़ का एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्ज़ाम्पल है द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो प्रोवाइड करता है एक कंप्लीट पाथ को एक पूरे रास्ते को फॉर इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ के लिए विद्युत के लिए जो क्या हो सके उसमें पास हो सके पूरा एक सर्किट में पास हो सके करंट टू फ्लो जिसकी वजह से करंट क्या हो सके पूरे सर्किट में पास हो सके बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल में जो इलेक्ट्रिक electric, इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे सर्किट में पास हो सके और इससे क्या होगा बल्ब ग्लो करेगा द बल्ब ग्लो ओनली वेन सर्किट करेंट फ्लोस थ्रू द सर्किट तो करेंट केवल तभी फ्लो होगा जब क्या होगा सॉरी uh, uh, जब बल्ब तभी ग्लो करेगा जब क्या होगा पूरे सर्किट में करेंट फ्लो करेगा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज टेकन टू बी फॉर्म द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज सोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट सिक्स तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन होती है करेंट फ्लो की वो किस डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नगेटिव टर्मिनल की ओर होती है इलेक्ट्रिक सेल के अंदर ठीक है जैसा हमें यहाँ पर डायग्राम में भी दिया गया है ये एक सेल है और ये इसका पॉजिटिव इंड है और ये नीचे वाला नेगेटिव इंड है तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का डायरेक्शन है वो कहाँ से है पॉजिटिव चार्ज से आ, नेगेटिव टर्मिनल की हो रहे सेल की ठीक है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करेंट इज़ टेकन टू द टू बी फॉर्म द पॉजिटिव

इलेक्ट्रिक uh, सेल के वायर बल्ब से तो क्या होता है उस टाइम पीरियड में बल्ब से करंट फ्लो करता है बल्ब के फिलामेंट से फ्लो करता है और बल्ब ग्लो हो जाता है सम टाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ तक इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल क्या होता है कभी कभी हमारे घरों में हम देखते हैं कि हम अपने बिजली का बल्ब ऑन करते हैं उसका स्विच ऑन करते हैं लेकिन वो जलता नहीं है दिस में द बल्ब हैज फ्यूज ये तब होता है जब बल्ब क्या हो गया फ्यूज हो जाता है लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली इट इज इट इज द फिल्मेंट इन साइड द इंटेक्ट क्या जो अंदर का फिलाेंट है वो टूट तो नहीं है एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजनस एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो सकता है एक से ज़्यादा कारणों से फ्यूज हो सकता है वन रीज़न फॉर द बल्ब टू फ्यूज इज़ द ब्रेक ऑफ द ऑफ इन इट्स फिलामेंट अगर उसका फिलामेंट अगर टूट चुका है तो इसकी वजह से बल्ब फ्यूज हो सकता है अब ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल तो अगर बल्ब का फिलामेंट टूट गया है तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो का पाथ है वो भी क्या हो गया है ब्रेकडाउन हो चुका है जिसकी वजह से सेल से आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका पाथ क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं कर पाएगा देयर फोर अ फ्यूज्ड बल्ब टच नॉट टाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट तो इस वजह से जो बल्ब होता है वो क्या नहीं कर पाते है? ग्लो नहीं कर पाते है क्योंकि उससे करंट ही पास नहीं होते कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो वैन यू ट्राई टू डू सो वट द अरेंजमेंट ऑन इन फिगर फोटीन पॉइंट फाइव बी सी डी एंड ई तो अब आप बता सकते हैं कि जो हमने एक्टिविटी दो में अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट किए थे अपने बल्बों के लिए वहाँ पर बी वाली कंडीशन में सी वाली कंडीशन में या फिर डी ई e वाली कंडीशन में बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो सर्किट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था दोनों टर्मिनल से बल्ब के सेल के दोनों टर्मिनल कनेक्ट नहीं थे इस वजह से वहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं किया था ना वी नो हाउ टू मेक द बल्ब लाइट बाई यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल अब हम जान चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिक लाइट को या बल्ब लाइट को हम कैसे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके वुट यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर यूअर सेल्फ तो क्या आप अपने लिए टॉर्च बनाना चाहते हैं एक्टिविटी थ्री टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ आयर रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एट द टू इंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर आपने क्या करना है एक टॉर्च का बल्ब लेना है और एक वायर का पीस लेना है उसके वायर के पीस से आपने उसकी प्लास्टिक कवरिंग को दोनों इंड से निकाल देना है रैप वन इंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाल एज सोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट सेवन फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव बैंड एंड सॉरी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल अ रबर अब आपने क्या करना है एक रबर की हेल्प से आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है ठीक है नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन द कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ड बल्ब ग्लो क्या बल्ब ने ग्लो किया नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल अब आप उस टर्मिनल से अगर दूर ले जाएंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा डज द बल्ब रिमेन्स लाइटेड इट इज़ नॉट सिमिलर टू वट यू डू वेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ़ ठीक है तो ये एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम क्या बना सकते हैं एक टॉर्च बना सकते हैं देखो अगर इस बल्ब को इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा तब ये क्या करेगा तब ये ग्लो करेगा अगर हम इस इस को ऊपर की ओर ले जाएंगे इस बल्ब को तो ये ग्लो नहीं करेगा जैसे ये हम इसको यहाँ पर टच करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल में तो ये ग्लो करने लग जाएगा तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू